अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक टू माय चैनल। चैनल के साथ थोड़ा सा इशू हो गया था, डिमोनेटाइज हो गया था। डिमोनेटाइज के हवाले से भी हम अपनी वीडियो बनाएंगे, आप देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और मोनेटाइज होने के बाद डिमोनेटाइज भी हो गया, देन अगेन अपील सबमिट के बाद जो है वो चैनल दोबारा से एक्टिव हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सारे व्यूअर्स ने जो है वो रिक्वेस्ट भी की है कि सिस्टर आप जो है बताएं कि आपने अपना चैनल कैसे मोनेटाइज किया, तो इसके हवाले से भी हम लोग अपनी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि रमज़ान की ग्रोसरी भी लोग बना लें, एक छोटी सी एक्सपीरियंस अपना शेयर करें आपके साथ। ये महंगाई कितनी ज़्यादा है और कितनी मुश्किल होती है परचेजिंग करने में, ज़ाहिर है सबके लिए ही आजकल हालात अच्छे नहीं है हमारे मुल्क में, जैसा कि फाइनेंशियली सबकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स चल रही है। तो तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी है खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। पापा की किधर जा रहे हैं, पहले ग्रोसरी करनी है या फिर हवाई? और तुम लोग कुछ घुमाओ ना, तो लो बजट में सारी चीज़ें मैनेज करना नॉट इजी। तो गाइस हम लोग जो है जमजमा इम्तियाज़ पर आ जाए हैं ग्रॉसरी करने के लिए, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए भी हमने बोला कि देख लेते हैं, अगर यहाँ पर अच्छी हमें वैरायटी मिली तो ले लेंगे, लेकिन हम लोग बच्चों के लेजर क्लब से शॉपिंग करते हैं, तो इसे हमने स्किप कर दिया बच्चों को यहाँ से, सिर्फ ग्रॉसरी ही की और थोड़ी सी क्रॉकरी ले ली घर के लिए। शॉपिंग के लोग भी बहुत इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग बच्चों की जो शॉपिंग की है हम लोगों ने। फिलहाल ये ग्रोसरी फील हो गए, देखिए इम्तियाज़ जमजमा का है, ये बहुत पुरसकून माहौल था और बहुत रीज़नेबल प्राइस है, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, कपड़े भी बहुत अच्छे थे और रीज़नेबल थे। आप लोग भी जा सकते हैं वहाँ, और कईयों बात का जो इम्तियाज़ है नो, इतना कोई हम लोग डिस्टर्ब हुए हैं। लास्ट टाइम वहाँ गए थे और पूरा ट्रॉली भरा हुआ छोड़ के आए हम लोग, क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं थी, इतना कोई रश था, इतनी कोई नेरो स्पेस थी, बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। और यू नो नेक्स्ट डे जो है वो रमज़ान था, तो पहला रोज़ा था, फिर उन्होंने बोला छोड़ दो बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को, फिर हमें काउंटर पर खड़े खड़े काफ़ी टाइम गुजर गया था, मजीद लग रहा था कि 2 से 3 घंटे और लग जाएंगे, तो हमने भरी हुई ट्रॉली बस वहीं ड्रॉप की और फिर हम लोग निकल गए। अभी जो है मिड रमज़ान में हम लोगों ने सोचा किसी ने हम ग्रोसरी कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरत की ले ली थी फिर उन्होंने जाके मार्ट से खुदी, और कुछ चीज़ें जो है वो हम लोगों ने आज परचेज़ की, जिसमें ऑयल, चीनी और आटा वगैरह मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे शामिल नहीं हैं, ये सिर्फ जो नॉर्मली डेली रूटीन की चीज़ें हैं बच्चों की भी और घर में पकाने खाने की, वो हमने लिए मसाले वगैरह लिए करीबे सारे, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वो सारी हमने ग्रोसरी कर ली। लेकिन महंगाई बहुत है, सिर्फ इन चीज़ों में ही हमारा जो बजट था, देखो मलाई टिक्का बूटी कौन सा वाला है सबसे नीचे लगा हुआ, ये नीचे वाला उठा दीजिएगा सबसे नीचे उस तरफ वाला, हां मलाई टिक्का बूटी वाला, यस हां जी, ये उठाए मलाई टिक्का, हां ये देने दे दे, थोड़ा वाला लो ना, नहीं बड़े बड़े नहीं बस वाइड भी, ये ब्रेड क्रम्स ले यार, इनकी बड़ी अच्छा जमा करती है, एक पैकेट उठा ले, और बड़ा भी है सफेद जीरा, सफेद जीरा क्या है, ठीक है इमली किधर है, इमली ये है ना, इमली इमली ले लें चटनी, ये वाला ले लें छोटा, ये सबसे अहम है, और वो फूल फूल की तरह फूल बात ध्यान, दार चीनी भी नहीं है। कौन से बेवरेजेस दे रहे हैं हम, ये बच्चों के खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं कुछ, ये रहना, ये छोटे पैकेट, छोटे पैकेट लें ताकि वो यूज होने में सही, ये लेना फ्राई ओले, फ्राई ओले सेंटी है, और ये खाते हैं आपके बच्चे, सारी दुनिया की चीज़ें खाते हैं घर में, बस हो गया ना सारा राइस हम तो वो है खास में, हम फ्रोजन आइटम्स हैं, हमने सारी बच्चों की भी ग्रोसरी कर ली है, बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें, नहीं ये चिपचिप हो जाएगी, उठाएं क्या एक सी फूड से सारी, फ्रोजन आइटम्स है, हम लोगों ने चिकन यहाँ से लेनी, चिकन रखी हुई घर में, आप वो ले ना जो वो नगेट्स वगैरह हैं बच्चों के, इस हमने बना के रखे हुए हैं घर में, हाँ ये ले लें खा लें, कौन से जो
यार हम कह रहे हैं कि पिज्जा ब्रेड ले लेते ब्राउनीज वगैरह देख लें बच्चों के लिए। क्रीम लेनी है जी? क्रीम लेनी है मिल्क पैक? हाँ क्रीम तो लेनी है लाजमी, मिल्क पैक ऑल पर भी अच्छी है, मिल्क पैक की भी अच्छी, जो भी लेना। कौन सी लो? वाई फाई बना ले, दो ले लें, बड़ा नहीं है ना पैकेट इसका। वाइट ट्राई की फरमाइश आई हुई, अम्मी ने भी बोला है। किसकी? कौन कह रहा है वाइट ट्राई? अम्मी ने भी बोला है, उनको भी भेजेंगे। पिज्जा डो ले लीजिएगा, फ्रोजन की तरह। बटर लेना है, एक नूर फूल का उठा लें, जो सॉल्टी जो होता है, सॉल्टी नूर फूल का ही होता है ना सॉल्टी। चीज स्लाइस ये है ना, चीज स्लाइस उतार लें, पाव वाली लेने। कौन सी कंपनी है? ये वाली लेना है, खाने इजी है ना, ये वाली टॉपर तो रखी हुई लेना सिंगल, ये दो दूसरी दो लेने क्या? कौन सी? वो टॉपर वाली रखी हुई लेना, चेडर चीज भी, चेडर चीज से देखिए क्या जाती है, छोटी वाली चेडर चीज क्या है? चीज है ना ये, वो जो करते हैं वो वाली जो काम की वो लो, जो हम बना सके अभी रमजान यूज होती है ना हम लोग, चीज काम में, चीज तो हमारे बच्चे भी शौक से खाते हैं। ये ले लो, इसके दो ले लो, मोज़रेला भी है तो वो बना रहे हो तो मिल जाती है, वहाँ भी है और शैम्पू वगैरह लेना है, ये आयुष्मान के लिए परफ्यूम लेना है, बॉडी स्प्रे कोई बात नहीं है। वो किधर है शैम्पू वगैरह क्रीम वगैरह रोशन लेना है जी? कितने यार? वो वहाँ पर चलते हैं, हम इसे बोल रहे थे वहाँ पर सेल लगे, उसे भी चाय दे देना, तक से हमने प्रॉमिस किया आप अपनी तो सुनते नहीं, हमारी भी नहीं सुनते। पॉलिश हो, पॉलिश वगैरह नहीं, क्या करना है आगे? शैम्पू कंडीशनर लेना है, चाय कर ले लेते हैं ठीक है। पेपर किचन पेपर ये लेने, ये हैंकी से रखे किचन डस्टर लेना, ये पैकेट डाले किचन के किधर है लेने ना, टिश्यू रोल वगैरह भी लेने हैं, शैम्पू वगैरह लेने हैं, हार्पिक हाई हार्पिक ये मिरर क्लीन करने वाला भी, अरे वली का तकीका देंगे, तकीका वली नया लाऊंगा। देखो ये शैम्पू दिया हूँ, तो बेहतरीन शैम्पू है, जो आप लेके गए वही है, वही है, तो मेरे बाल नहीं गए हमें, कंडीशनर ले लें, कंडीशनर हमारा डव के कंडीशनर किधर है? डव के शैम्पू कंडीशनर जी, डव का ही चाहिए, हेयर फॉल का ही देंगे, हेयर फॉल ले रहे हैं, शैम्पू भी दे रहे हैं। ये ऑयल रिप्लेसमेंट है ना, ब्रांड डैमेज है? नरिशिंग ऑयल है ना ये? आए ये स्वरूप पेमेंट काउंटर पर आ गए हैं, फाइनली ग्रोसरी की हो गई है, ग्रोसरी हमने खरीदी है और बिल जनरेट हो गया, देखें कितना उसमें महंगाई का है। वेल्स देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर,
चार महीने तो चले ही चलेंगे ग्रोसरी के बाद भी ख्याल आया कि क्रॉकरी तो रह गई है। फिर हम लोग जो है क्रॉकरी की तरफ चले गए और कप लिए। मग जो होते हैं ना बड़े वाले, हम लोग के डैमेज हो गए थे फिर की और हमारे दोनों मग, तो दो हम लोगों ने यहाँ से अच्छे से गोल्डन कलर में मग लिए, कप्पू का लिया चिट्टी मग बड़ा सा। लेने के बावजूद पेमेंट देने के बावजूद दोबारा से हम लोग बच्चों के लिए यहाँ से, और एक बड़ा पाव लिया पॉपकॉर्न के लिए। यहाँ से छोटी मोटी ग्रोसरी और की हमने, क्रॉकरी की सारी क्रॉकरी। ये देखिएगा इसे जो बिल हमारा बना है, दो तीन बिल मिला के तकरीबन 28 के अराउंड हम लोगों का बिल बन गया था। हाँ निकल रहे हैं गाइस घर के लिए, पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हमने शॉपिंग कर ली है, ग्रोसरी करने आए थे। फारूक कितने की हुई ग्रोसरी? ग्रोसरी हमारी पहुंच गई 25-26। अभी हम लोगों ने प्रॉपर परचेजिंग की भी नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें ले गई है। और ये भी जो है ना आपको पता है 25,000 की तकरीबन हुई है। 30,000 ही रख ले। हाँ 30,000 रख ले, ऊपर नीचे और भी। हमने तो एक जगह से, क्योंकि हमने बिल अलग बनवाया, अलग भी बनवाया, बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ। लेकिन सुकून था उस दिन जो हम लोग फंसे हैं इम्तियाज में, बहुत बुरी हालत थी वहाँ पर। तो कयूमाबाद वाले इम्तियाज में हम लोग जा रहे हैं बाहर, ये पार्किंग है यहाँ की। अगर आपको भी सुकून से शॉपिंग करनी है ना ग्रोसरी की, क्रॉकरी की, तो आप जो है यहाँ आ सकते हैं। रेट तो वही है सब, यहाँ ज्यादा अच्छे हैं। निकल गए हम जमजमा वाले इम्तियाज पर थे, हम निकल घर की तरफ, रोजा खुलने वाला है। जी जी चले, अपने घर की तरफ आ गए वापस, फिर ग्रोसरी वगैरह सब। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर, ग्रोसरी करके, और ये सारी डाइनिंग टेबल हमारी ग्रोसरी की लगी हुई है। फिलहाल ग्रोसरी की सारी हो गई, इसको फिर किचन में सेट करेंगे। बहुत थक गए हैं आज हम लोग। वहाँ पे भी रखी हुई है, ओ माय गॉड, सारा ही फैला पड़ा हुआ है। तो ठीक है, तत्वों की गाइस ये आते के साथ ही फिर जो है सेटिंग में लग गए। ही इज सच अ नाइस हस्बैंड, ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। सारी चीजें लगा ली है और कुछ अभी बाकी है हमारे मसाले वगैरह। ये देखिए, ये रखिए, ये भी फिक्स कर रहे हैं। इसमें बैठा दिया, इतनी हाथ कर रहे हैं हमारे यार, थैंक यू सो मच। देखिए आप भी थके हुए, हम दोनों साथ ही गए थे। ये फिक्स करना, ये सारा बिखरा हुआ है अभी ना, सारा मैसी हुआ है। तो भाई अभी पढ़ ले, तो भाई अभी बाबा सारी ग्रोसरी सेट कर रहे हैं, बहुत सारा मैसी हुआ तो पूरा घर हमारा जिनका सेट कर रहा है बाबा ने पूरा। हम लोगों ने, हम फ्रेश हो रहे थे। आपने कहाँ सेट किया बाबा? खैर बहुत बुरे लग रहे, तोबा। सारे क्रेडिट लेके जा रहे हैं, जाके पढ़े पेपर एकदम आपका। चले तैयारी करें। और तकी आप क्या करें, बाबा की हेल्प कराई आपने? देखिए आपने बाबा की हेल्प कराई, बताइए। देखिए आप बाबा की हेल्प कर रहे हैं? हेलो, बाबा की हेल्प कर रहे हैं आप?
जो मसाले हैं ना ये सारे एक्सपायरी चेक करके लगानी पड़ेगी, जो जो एक्सपायरी पहले है वो सबसे पहले लगानी पड़ेगी और जो बाद में ना वो सबसे एंड में। जैसे पार्टीशन लगा दे तो फिक्स करना पड़ेगा, सब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सब फैला हुआ है यार। तो गाइस ये था हमारा शॉपिंग वीलॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।